नमस्कार दोस्तों, बिन मांगे ज्ञान ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य सरकार द्वारा डीजल अनुदान के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए घोषणा कर दिया गया है, इसी से संबंधित जो है आज का वीडियो है। तो दोस्तों, बहुत ही वीडियो ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, 22 जुलाई 2023 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। लोग अपने मोबाइल से या आप नियरेस्ट जो आपका साइबर कैफे है, सीएससी केंद्र है, वहां से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और दोस्तों, फार्म भरते समय क्या क्या सावधानियां आपको बरतना है, ये सारी चीजें हम बताएंगे इस वीडियो में। और किस वेबसाइट पर जाना है ऑनलाइन फार्म भरने के लिए, वो भी हम बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो दोस्तों, सावधानी आप लोगों को क्या बरतना है, जो डीजल का रसीद आप लोग लगाइएगा उस रसीद पे उस पंप का मोहर होना चाहिए और उसका सिग्नेचर होना चाहिए, और उस पे उस रसीद पे एक 13 अंकों का जो किसान रजिस्ट्रेशन संख्या होता है उसको आपको दर्ज करना है, और दर्ज करके तब उसको स्कैन करके उसको अपलोड कराइएगा। एक और आपको फार्म मिलता है, वो ऑफलाइन उसको आपको भर करके और उसको वेरीफाई करा करके उसको अपलोड किया जाता है। तो अपने कोऑर्डिनेटर से, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर कृषि समन्वयक जो होते हैं आपके पंचायत स्तर पे, उनसे जो है वेरीफाई करा करके और आपको जो है अपलोड कराना है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहीं भी अगर त्रुटि होता है तो जब लॉगिन पे जाता है कृषि समन्वय के, तो वहां से वो रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए आप जो है सावधानी पूर्वक फार्म को भरिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। सुनीत कुमार, सहायक तकनीकी प्रबंधक कृषि विभाग, आत्मा सिवान, ब्लॉक दरवली। तो दोस्तों, आप लोगों का हम मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलते हैं कैसे जो है ऑनलाइन फार्म आपको भरना है, किस वेबसाइट पर चलना है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे, दोस्तों हम मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं, और यहाँ पे गूगल में आपको सर्च करना है डीबीटी। डीबीटी सर्च करेंगे तो इस टाइप का कुछ आपको सजेस्ट करेगा नीचे, तो इसी पे आपको टच करके आपको जाना है। तो यहाँ पे हम टच करते हैं dbt.gov.bihar.in। तो यहाँ पे हम डीबीटी पर टच किए तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस आया। तो यहाँ पे जो ये पॉपअप आ रहा है इसको आपको बंद करना है, क्लोज करना है। तो यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डीबीटी का ये होम पेज है। आप लोग देखिए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी का हिंदी होता है, कृषि विभाग बिहार सरकार, मिठापुर फार्म, मिठापुर फार्म, मिठापुर पटना। तो यहाँ पे ये होम पेज है, आप लोग देख सकते हैं ये डीबीटी का। और यहाँ पे आप लोग होम पेज के नीचे नीचे आना है आप लोगों को, और नीचे जैसे आप आइएगा यहाँ पे आप लोगों को एक यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप लोगों को मिल गया, डीजल अनुदान खरीफ 2023-24। तो 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, और यहाँ पे आवेदन करें, देखिए यहाँ पे कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे आप टच करिएगा आवेदन करें पे, तो यहाँ पे टच करिएगा तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल करके सामने आप लोगों के आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अनुदान का प्रकार, किस टाइप का अनुदान, डीजल अनुदान यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए कुछ लिख करके आ रहा है, प्रिय किसान कृषक, सूचित किया जाता है कि अभी खरीफ मौसम 2023-24 के लिए फसल के लिए यह योजना लागू है। माने इस खरीफ योजना मौसम के लिए 23-24 के लिए ये योजना अभी लागू किया गया है, और आज है 22 जुलाई, आज से ये ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का कुछ इंटरफेस आया, और यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है, पॉपअप आ रहा है। तो यहाँ डीजल अनुदान ऑनलाइन आवेदन के लिए दिशा निर्देश, प्रिय कृषक सूचित किया जाता है कि अभी खरीफ मौसम के फसल के लिए ये योजना लागू है, और ऑनलाइन आवेदन से पूर्व डीजल रसीद को जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन कर तथा साइज 100 KB तक में रख लें। माने 100 KB से साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए जो डीजल रसीद आप लगाएंगे। और डीजल रसीद का क्या जो क्राइटेरिया है उसको हम आप पहले बता चुके हैं, उसको आप लोग सही से कर लीजिएगा। और 3 नंबर में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, बटाईदार एवं स्वयं प्लस बटाईदार की स्थिति में सिंचाई सत्यापन दस्तावेज को जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन कर तथा साइज 100 KB तक में रख लें। जो बटाईदार हैं, जो स्वयं खेती करते हैं, अपना नीज है, उन दोनों लोग जो है इस फार्म को भर सकते हैं डीजल अनुदान के लिए, और इसका जो कि 100 KB से ज्यादा नहीं साइज रखेंगे, जेपीजी फॉर्मेट में यह भी होगा। जो आपका ये जो फार्म है बटाईदार एवं स्वयं, और इसका जो फार्म आपको अथी करना है, तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं पॉपअप को। और यहाँ पे जैसे क्लोज करेंगे, और यहाँ पे पंजीकरण रजिस्ट्रेशन आईडी मांग रहा है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी में आपको क्या डालना है, पंजीकरण, अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी,
और पंजीकरण दर्ज करें, वो 2181 जो शुरू रहता है वही वाला आपको यहाँ पे दर्ज करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वहां से इसको हम कॉपी करके और वहां पे हम डालते हैं और देखते हैं, डाल करके देखते हैं कि क्या कुछ आ रहा है। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। ये है किसान रजिस्ट्रेशन और यहां से हम इसको कॉपी करके और सीधे चलते हैं यहां पे डीबीटी के साइट पे, यहां पे फिर आ गए जहां थे हम, और यहां पे डाल करके यहां पे सर्च करते हैं। देखिए अब यहां पे जैसे हम सर्च करेंगे दोस्तों, तो यहां पे देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ रहा है, पूरा डिटेल आपका यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए गीता देवी है, डीजल अनुदान के लिए आवेदन, पिता का नाम है यहाँ पे शो कर रहा है, पंचायत ब्लॉक सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को शो करेगा, आपका खाता संख्या कौन सा है वो आपके जो रजिस्ट्रेशन से जो लिंक है ये आपका खाता संख्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे डीजल अनुदान आवेदन रसीद 22/7 से 30/10 तक ही मान्य होगा, जो डीजल का रसीद है वो 22/7/2023 से 30/10 तक ये मान्य होगा, इसके पहले का रसीद होगा तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा, ये आप नोट करके रख लीजिएगा और बाद में दावा नहीं कर सकते हैं। और मौसम यहाँ पे आपको चुन लेना है, तो मौसम ये खरीफ हो जाएगा और यहाँ पे फसल का नाम आपको, फसल का नाम इसमें क्या, धान है, मक्का है, दलहन है, तिलहन है, जो भी है, जो भी आप खेती की है उसका जो है आपको मेंशन करना है, तो धान यहाँ पे डाल दीजिए। ज्यादातर लोग धान की खेती करते हैं, और किसान किस टाइप के है, बटाईदार है कि स्वयं है, कि स्वयं और बटाईदार दोनों है, मैंने अपना भी खेती किए हैं और बटाइये लेकर भी खेती किए हैं, तो दोनों के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग चयन कर लीजिएगा, जो आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं उसको आप लोग चयन कर लीजिएगा यहाँ से। और चयन करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे चयन कर लेता हूँ, एक बटाईदार कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का कुछ इंटरफेस आप लोगों के सामने आ रहा है। अब देखिए खेसरा नंबर यहाँ पे आपको अनिवार्य नहीं है, अगर है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं है तो मत डालिए। और थाना नंबर आपको को यहाँ पे दर्ज करना है इस कॉलम में, थाना नंबर दर्ज कर लीजिए, कुल सिंचित रकबा कितना एरिया में आप सिंचाई कर रहे हैं ये आपको डाल दीजिए, बगल के किसान का नाम आपको यहाँ पे डालना है, जो आपके मेड़ से सटा हुआ जो किसान है उसका एक और दो, ये दो किसान का नाम आपको डालना है यहाँ पे। और आप एड रो कर सकते हैं यहाँ पे, अगर खाता खेसरा और मतलब कि आपके पास है तो ऐड रो करिएगा, तो फिर वही चीज यहाँ पे आपसे मांगेगा। देखिए खुल गया फिर एक और लाइन, तो यहाँ पर भी देखिए खाता खेसरा हम डालेंगे, थाना नंबर डालेंगे और बगल किसान का नाम, और फिर यहाँ पे एक दो किसान को आपको नाम डालना है। सिंचित भूमि रकबा डिसमिल में, डिसमिल में आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे देख लीजिए किसान भाई, सिंचित भूमि का रकबा डिसमिल में आपको डालना है, जैसे 100 डिसमिल का 1 एकड़ होता है तो उस हिसाब से आप लोग डालिएगा। और यहाँ पे नीचे आइए और यहाँ पे आप लोगों को समझा देते हैं कि क्रय की गई डीजल लीटर में, तो कितना लीटर का जो है आप डीजल खरीदे हुए हैं वो चीज यहाँ पे आपको डालना है, और क्रय की गई डीजल का मूल्य कितना है ये आपको यहाँ पे डाल देना है, रसीद संख्या जो है उस पे रहता है डीजल पे, डीजल के रसीद पे वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। और फिर यहाँ पे तिथि आपको पूछ रहा है 22/7/2 इतना, माने किस तिथि में आप जो है खरीदारी किए हैं इसमें आपको ये डाल देना है। और पेट्रोल पंप का यहाँ पे नाम आपको डालना है, और प्रखंड का नाम, किस प्रखंड में वो पेट्रोल पंप पड़ता है वो आपको यहाँ पे डालना है। और कुल अनुमानित राशि यहाँ पे आपको जब वो डालिएगा तो यहाँ पे शो करेगा, ऑटोमेटिक शो करेगा वो। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये बॉक्स जो है आपको चेक करना है, चेक करके तब फिर गेट ओटीपी आपको करना है, ये गेट ओटीपी करके, और ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपके मोबाइल पे जो किसान रजिस्ट्रेशन से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, और वही ओटीपी यहाँ पे सबमिट करिएगा। सबमिट करके आप फार्म को फाइनली सबमिट कर दीजिएगा, और आपको एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, उस पर प्रिंट पे टच करके आप अपना फार्म को प्रिंट कर लीजिएगा, और प्रिंट करने के बाद जो है उसका एक कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा ऑनलाइन फार्म भरने का ये प्रोसेस, तो इस तरह से आप लोग अपने मोबाइल से भी फार्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।